झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। सदन में आज की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होगी, जिसके बाद विभिन्न विभागों से जुड़े विधेयक सदन के पलट पर रखे जाएंगे। आज भी सदन में हंगामे के आसार है। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। और अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे संवाददाता मदन जुड़ चुके हैं। मदन, झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है, आज सदन में क्या कुछ कार्यवाही होने की संभावना व्यक्त की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा सत्र के आज शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है और ऐसे में हंगामे के आसार आज भी नजर आ रहे हैं। जिस तरह से लगातार विपक्ष के द्वारा सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, आप देख रहे हैं कि सबसे ज्वलंत मुद्दा जो अभी झारखंड में है वो है नियोजन नीति रद्द होने को लेकर। छात्र भी आंदोलित थे, कल विधानसभा का घेराव भी करने पहुंचे थे और खास करके अगर बीजेपी विधायकों की बात करें तो लगातार सदन के भीतर और सदन के बाहर दो दिनों से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। आज भी उम्मीद है कि लगातार वो सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे और भी कौन कौन से मुद्दे विपक्ष के द्वारा उठाए जाते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल आज विधानसभा सत्र के दौरान सदन में सबसे पहले प्रश्नकाल होगा, फिर उसके बाद सभी विभागों के द्वारा विधेयक सदन पटल पर रखा जाएगा। तो अब देखना होता है कितने विधेयक आज सदन में आते हैं और फिर विपक्ष के द्वारा क्या कुछ विषय उठाया जाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। धन्यवाद मदन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है और सदन में आज कार्यवाही शुरू होगी, प्रश्नकाल से शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि आज भी जो है हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। पारस एचयूसी हॉस्पिटल रांची, झारखंड का सबसे बड़ा प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, तमाम सुविधाओं के साथ अब यहाँ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर भी। यहाँ उपलब्ध है किफायती दर पर उच्च विश्वसनीय इलाज, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधुनिक सुविधाओं के साथ 40 आईसीयू बेड, 5 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर की भी सुविधा। पारस एचयूसी हॉस्पिटल रांची।